I am very sorry I could not continue my sport for your exam. कुछ emergency में था, situation अब better है. तो आते ही आपके लिए कुछ suggestions हैं जो पहले से सोच रखे थे, उतना अब analysis नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास time नहीं है. मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप मेरा video देखो क्योंकि आपका टाइम इतना कीमती है, बस आप स्टडी पर फोकस कीजिए. लेकिन कुछ सुजेशन थे, मेरा जो एनालिसिस था, जो बात मेन बतानी थी, इन तीन दिनों में आप कर सकते हो. फर्स्ट के जो आपके जो फैक्टर्स हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर पेपर कहाँ से होगा, कैसे आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बड़े क्वेश्चन थे, अब उनकी भी बात नहीं करूँगा. ठीक, ये भी फैक्टर थे. ब्लूम टैक्सोनॉमी एक मेजर फैक्टर था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके लिए बनता है क्योंकि आपके क्वेश्चन आइडली, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट है, दैट इज व्हाई डिफिकल्टी लेवल हाई होना चाहिए था, लेकिन ऐसे होने की संभावना कम है. ठीक, तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है. जब यूजीसी का टेस्ट होता है, क्योंकि यूजीसी के टेस्ट के बाद आपकी जॉब के लिए सिलेक्शन है, दैट इज व्हाई आइडली सिलेक्शन टेस्ट टर्म जो है वो हाई डिफिकल्टी लेवल की होती है, पर ऐसे होने की संभावना कम दिखाई दे रही है, इसलिए वापस चलते हैं. आपको क्या करना है, ज्यादा उस पर फोकस करते हैं. पेपर सेटर जो मेजर फैक्टर है, जो कि पेपर सेटर इंडिया के पास ही अच्छे नहीं है. ठीक, दूसरे ये फैक्टर, क्योंकि यहाँ एक और लिखा हुआ है कि ये स्टेट लेवल का है या नेशनल लेवल का टेस्ट है. आपका स्टेट लेवल का टेस्ट है, दैट इज व्हाई के जो नेशनल लेवल के पेपर सेटिंग की क्वालिटी होती है, उनके पास जो क्वेश्चन बैंक है, यूजीसी के पास जो क्वेश्चन बैंक है, वो पहले से प्लान्ड होता है, बड़ा होता है, दैट इज व्हाई क्वालिटी ऑफ एमसीक्यू वहां बेटर होती है. तो स्टेट लेवल में क्वालिटी थोड़ी डाउन जाती है. ठीक, दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इनके पहले से सेट नहीं होते, इनकी क्वेश्चन बैंक पहले से रेडी नहीं होती. तो इनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक और, अगर देखिए दो बातें हैं, अगर नए क्वेश्चन बनते हैं इतनी जल्दी, टाइम फैक्टर है ना 45 डेज में, फॉर पहले दिन ही तो क्या अपॉइंट नहीं हो गए, यूनिवर्सिटी ने अपॉइंटिंग कर दिया था कि पेपर सेटिंग के लिए, पेपर कंस्ट्रक्टर के लिए जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है, तो 45 डे भी पेपर सेटर के पास तो 45 डे नहीं है, उनके पास तो शायद हार्डली 10 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, बेशक इतने दिन होंगे कि आपने क्वेश्चन सेट करना है. और वैरायटी ऑफ पेपर सेटर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज से नहीं होता. तो आपका उत्तर इसमें शामिल हो गया. आप पूछ रहे थे कि क्या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में ही सेट होगा, ऐसे नहीं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, ये वैरायटी ऑफ सोर्सेज से होता है. हाँ, लेकिन ये मतलब जो सिचुएशन है, जो एनालिसिस मेरा किया हुआ हो, उसके मुताबिक इसका लेवल जो है जो वो आगे बता ही देता हूँ. टाइम लिमिट जो कम होने के कारण इसकी क्वालिटी में क्या इफेक्ट होगा, कि जो ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो पिछले पेपर हैं, पेपर सेटर जो है उनको कंसल्ट जरूर कर रहे होंगे, दैट इज व्हाई प्रोबेबिलिटी है कि यही सुजेशन आपके लिए बनेगा, प्रोबेबिलिटी है कि नए क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं होंगे. अगर नए क्वेश्चन होंगे तो वो पुराने क्वेश्चन की लाइन में होने की मैक्सिमम संभावना है. ठीक, सब्जेक्ट वेरिएशन होगी, कई सब्जेक्ट बहुत कॉमन है, उनके क्वेश्चन हो सकते हैं. तो मैं सब्जेक्ट किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि तीन दिन रह गए हैं. आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने डिस्टर्ब नहीं होना, कुछ भी हो जाए. ठीक, तो ये आपको एक बच अच्छा है, दो तीन सुजेशन दूंगा, वो आप ऐड कर लीजिए, वो आपकी बेटरमेंट के लिए है, अगर आप चाहो तो बेटर ऐड करना, अदरवाइज नहीं. तो ये सारा जो केस है, ये जितने फैक्टर हैं, मैं एक एक डिस्कस नहीं करूंगा, जो मेजर एक केस था आपके सामने रखूंगा, जो मैंने पिछले एक वीडियो में शायद बताया भी था, राजस्थान में क्या हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की के लिए सिलेक्शन टेस्ट जो हुआ, उन्होंने 300 मार्क्स का रखा था, 300 क्वेश्चन सॉल्व करने थे,
300 क्वेश्चन एमसीक्यू करने थे, इनमें से एक पेपर में 200 क्वेश्चंस एक बुक में से ही एग्जैक्ट डाल दिए हैं, ठीक। और ऐसे एनालिसिस क्या हैं, राजस्थान में ऐसे 3-4 पेपर से हुआ है और सबसे बड़ी ये आपके पास जो है रिपोर्ट रख रहा हूं। तो अगर 4 पेपर में ऐसा ही हुआ है कि किसी में 50, किसी में 40 और एक में 200 पेपर एग्जैक्ट वही रख दिए गए, ये इसको ऐसे मत लीजिए कि पंजाब में इसमें ऐसा होगा, इससे साइकोलॉजिकल टेंडेंसी समझिए कि बहुत कम टाइम है और कम टाइम में पेपर कंस्ट्रक्टर जो है पिछले क्वेश्चंस को कंसल्ट करता है। मैं ये इस पर फोकस करना चाहता हूं, तो ऐसे मत कीजिए कि ऐसा हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसे नहीं सोचना। इससे अपनी प्लानिंग वो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। तो एक फैक्टर आ रहा है, चलो पोस्टपोन वाला फैक्टर तो साइकोलॉजिकल है, ये जो फैक्टर है ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं टाइम न्यू क्वेश्चन बनने हैं, कहीं यूजीसी का सिलेबस है, यूजीसी के सिलेबस में यूजीसी कंसल्ट पिछले पेपर होंगे, तो ये कह रहे हैं, सुजेशन ये दे रहे हैं कि आपको हर हालत में पिछले क्वेश्चंस को जो यूजीसी के पिछले पेपर्स हैं उनको थोड़ा सा कंसल्ट हर हालत में कर लेना चाहिए। वो किस तरह करना चाहिए वो आगे चल के बताता हूँ। तो एक और लास्ट में जो है फैक्टर के पोस्टपोन की बार बार पूछा जा रहा, पोस्टपोन होंगे कि नहीं हो, जब तक आपके पास नोटिस नहीं आ जाता, कोई रिटर्न नहीं आ जाता, वेबसाइट पर नहीं पड़ जाता, तब तक आप 100% यही सोचिए कि पोस्टपोन नहीं होना है। वैसे भी रियलिटी ये है कि पोस्टपोन होने की कोई संभावना दिखाई ही नहीं दे रही, जितने इंतजाम कर लिए गए हैं फाइनल है। हाँ, संघर्ष अलग से चल रहा है, वो भी फैक्टर है, पर आप इस बात पर सोचकर अपने आप को लूज मत कीजिए, अपना टाइम, अपनी थिंकिंग एक मिनट के लिए भी उधर मत लगाइए। आपके लिए एक मिनट कीमती है, क्योंकि एक मिनट से अगर आपके एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज मिलती है, तो ये गेम जो कंपटीशन की है हार्डली 2-4-5-8-10 मार्क्स की होती है, जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं। तो दैट इज वाई ये मत सोचिए, आप पढ़िए। हाँ, जो आपके लिए सुजेशन है, एक तो आप जो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना प्लान जो है जैसे आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। बस उसमें एक सुजेशन बन रहा है जो पीछे डाटा जो एनालिसिस पूरा नहीं कर सका, उसमें ये है कि हर हालत में पिछले कुछ सालों के, 4 साल के, 2 साल के, 5 साल के, जितने आप देख सकते हो इजीली नेट पर अवेलेबल हैं, अगर आपके पास बुक फॉर्म में है, अगर सीधा वही पेपर आप देखते हैं यूजीसी का उसी ऑर्डर में देखते हैं, तो वो कंसल्ट आप कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पस, बेसिक सुजेशन मैं ये देना चाहता हूँ, ठीक। ये नहीं है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन एकदम उठा के वहां से आ जाएंगे। हाँ, मैं कह रहा हूं कि कंसल्ट पेपर सेटर जो है वो कंसल्ट वो उसने किए होंगे, उसकी संभावना है। मेरा ये कहना बिल्कुल जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो एनालिसिस कह रहा है उससे ये संभावना है। दूसरा, आपको वो पेपर गाइड करेंगे। अब इन दिनों में आपको पेपर सॉल्व कर लेने, सॉरी सॉल्व नहीं करने चाहिए, ये मैंने शब्द ये साथ में रखा है, डोंट सॉल्व, जस्ट ऑब्जर्व द राइट आंसर। देखिए, स्ट्रेटजी बदल गई है, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो हमें कहती है, देखिए वैसे हमें कहा जाता है जब प्रेपरेशन करनी होती है कि रिमेम्बर नहीं करना, अंडरस्टैंड और अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अब आप जब पिछले पेपर देखोगे तो आप, मैं कह रहा हूं किसी क्वेश्चन पर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, उस क्वेश्चन के साथ राइट आंसर साथ में की मिल रही है, जस्ट जल्दी से की देखिए और आगे बढ़िए। अब स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, अदरवाइज मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन के डिस्ट्रक्टर भी, की भी सारे ऑप्शन, सारे बीच में जो कंसेप्ट हैं उनको स्टडी कीजिए। एक एक क्वेश्चन पर आप शायद दिन भी एक लगा सकते थे, कई घंटे लगा सकते थे, अब ऐसा नहीं करना।
आपको नुक्ता क्या बता रहा हूं, आपने जब पिछले पेपर देखने हैं रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना। इंफॉर्मेशन मिली, राइट आंसर दे था, बेशक वो याद ही कर लिया, क्रैम ही कर लिया, लिख लिया, इंपॉर्टेंट था आपके लिए, नया था, पता नहीं चला, आपको भूल रहा है, कुछ भी ऐसे लग रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैक्सिमम सॉल्व कीजिए पिछले जो क्वेश्चन है आप यूजीसी नेट के, मेरे ख्याल में आपने देख भी लिए होंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई एमसीक्यू जो पॉपुलर कोई बुक है जहाँ कोई है, उसको कंसल्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन उसको सीधा ऐसे मत ले लीजिए कि इसमें से आएगा, उसको थोड़ा कंसल्ट कीजिए। मैं सिर्फ रीड करने के लिए थोड़ा सा कह रहा हूँ, ना कि मैं सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ, ये एम्फेसाइज कर दो। अच्छा, ये बात हो चुकी है रिमेम्बरिंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ही बेटर होती है, लेकिन ये आपके पास दिन बहुत कम है, क्योंकि रिमेम्बर की हुई नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, रिसर्च की एग्जांपल देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्वांटिटेटिव डाटा होता है कि क्वालिटेटिव है ना, इसको एनालाइज मत कीजिए, जस्ट क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। रिलायबिलिटी नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव, नहीं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती रिलायबिलिटी, उसकी वैल्यू, ठीक है। वैलिडिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कौन सी हो सकती है, जब आप वो डिस्क्रिमिनेट, चलो वो कंसेप्ट नहीं अभी मैं टीच करूंगा। अच्छा, रिसर्च इज ए साइक्लिकल प्रोसेस और लीनियर प्रोसेस, साइक्लिकल जनरली प्रोसेस। एक्शन रिसर्च क्या है, ज्यादा साइक्लिकल है जहां एक्सपेरिमेंटल, जब इनका कंपेरिजन होता है तो एक्शन रिसर्च मोस्ट साइक्लिकल प्रोसेस। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, अब इनको रिसर्च की एग्जांपल देके नहीं मैं समझा रहा हूँ। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास मिल रही है, अब आप इंफॉर्मेशन लेवल, इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम कलेक्ट कर लो। वो जो सॉल्व है, जहाँ पिछले पेपर हैं, जहाँ किसी बुक से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्यादा टाइम, मैं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है, ऐसे समझाता हूँ यहाँ पर, कि आप ये देखिए कि आप कवर ज्यादा कीजिए, ठीक है। किसी क्वेश्चन को पकड़ के इन डेप्थ मत जाइए, ठीक। और क्या सुजेशन है, उसके बाद ये बंद करता हूं एक बार। हाँ, डोंट स्टॉप ऑन अननोन डिफिकल्ट और ऑड कंटेंट। जो कंटेंट आपको मिला नहीं, जो आपके लिए अननोन था, जहां डिफिकल्ट लगा, उस पर रुक मत जाइए, उसके बारे में सोचते मत रहिए, प्लीज उसे लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आए, मान लीजिए आता भी है, लेकिन जितनी एनर्जी आपने उसमें कंज्यूम कर दी, उसको छोड़ के आप शायद दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन और ज्यादा इंफॉर्मेशन और से गेन कर सकते थे, ठीक। वेस्ट नहीं अभी करना टाइम, डोंट स्टॉप, ओके हो गया। सिलेबस जरूर एक बार देख लीजिए, उसमें से कोई अननोन जो टॉपिक ये निकल रहे हैं, डिफिकल्ट निकल रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं उसका मिल रहा, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग या उसकी एग्जांपल, वो सिर्फ इतना बेशक एक कॉपी पर लिख लीजिए या उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा, स्ट्रेटजीज जो बताई गई हैं, मैं सॉरी, मैं आपको पता है मैं थोड़ा इमरजेंसी में था, नहीं कर सका मैं, कल वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, और यूट्यूब के बड़े वीडियो हैं, आप वो देख सकते हो, मैं किसी जिसको मर्जी देखिए आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एनालाइज करने में आपको वो लगेगी, मैंने एनालिसिस काफ़ी किया हुआ है। तो स्ट्रेटजीज कैसे एमसीक्यू को रीड करना है, कैसे डिफिकल्ट एमसीक्यू रीड करना है, तो कैसे अगर बचते हैं, पॉजिटिव मार्किंग है, गैस कैसे लगाना है, वो मैं डाल देता हूँ, जैसे भी है कोशिश करता हूँ, एक दो ने जितनी डाल सकती है, वो स्ट्रेटजीज एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। अपने रिकॉल कीजिए पिछला पेपर जो दिया था आपने, उसमें क्या गलतियां की थी, काइंडली उसको रिकॉल कीजिए, ये बहुत पे करेगा, उसमें आपकी बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या थी, ये पे कीजिएगा। और किसी ने अच्छा आपसे डिस्कशन की हो कि मैंने पेपर देते समय यार ये गलती की, जिससे मैंने ये लॉस हुआ, उसको आप एनालाइज करके अप्लाई कीजिएगा। तो ये कुछ सुजेशन थे, मतलब इतना फोकस हो जाइए उस डेट पर, उस एग्जाम पर, कि आपको बाकी सारी जिंदगी भूल जाए, ये तीन दिनों के लिए, चार दिनों के लिए, सिर्फ इतना फोकस हो जाओ। डिस्ट्रैक्टर कोई भी है उसको अवॉइड करो, फैमिली सपोर्ट मैक्सिमम लो, सोशल सपोर्ट लो, कि मुझे ये पांच दिन चार दिन अभी दे दो, कॉलेज है, जहां भी जाते जॉब करते, बेशक छुट्टी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी कर लो, विद पे छुट्टी कर लो, लगा दो,
पोस्टपोन हो भी जाता है, नहीं हो जाता, लगा दो यार। मतलब आपका धर्म ये कहता है कि कर्म पूरी तरह कर दो, फल तो फिर ठीक है। तो बी फोकस ऑन योर एम, आपको मौका मिला है, इसको गवाइए मत, बहुत अच्छा है। आपकी डेवलपमेंट, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली इस पर निर्भर कर सकती है। तो कोई हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। डिले के लिए, डिसकंटिन्यू होने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू।